दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके। कॉपी अध्ययन क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। इसके बिना पढ़ाई लिखाई किया जाना संभव नहीं है। ये नोटबुक अलग अलग ब्रांड और क्वालिटी के साथ मौजूद होती है, जिन्हें इनकी क्वालिटी के साथ विभिन्न कीमतों पर बेची जाती है। आप भी बहुत कम पैसे में नोटबुक का व्यापार शुरू कर सकते हैं और अपने ब्रांडिंग के साथ। नोटबुक बनाने का व्यापार कैसे शुरू करें, चलिए ये मैं आपको बताती हूँ। नोटबुक बनाने के लिए विभिन्न कोटेड अथवा अनकोटेड पेपर यानी दिस्ता पेपर और गत्ते की आवश्यकता होती है। दिस्ता पेपर की कीमत 62 रुपए प्रति किलोग्राम है और कवर के लिए इस्तेमाल होने वाला गत्ता 1 रुपए प्रति पीस आता है। आप निम्न वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन खरीद सकते हैं ये रॉ मटेरियल। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए वेबसाइट्स के लिंक दिए हैं, जहां आप ये रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। नोटबुक बनाने के व्यापार में आप क्या लाभ उठा सकते हैं, जानिए हमारे साथ। 1 किलो पेपर में लगभग 6 से 7 नोटबुक बनाई जा सकती है। यदि इसे रिटेल में बेचे तो 15 रुपए प्रति पीस बिकता है। एक नोटबुक बनाने में कुल लागत 11 रुपए की पड़ती है। होलसेल में इसी तरह की नोटबुक की कीमत 12 से 13 रुपए की होती है। इस तरह से होलसेल में प्रत्येक नोटबुक में 2 रुपए का लाभ कमाया जा सकता है। इसके लिए 3 मशीनों की आवश्यकता होती है, पिनअप मशीन, एज स्क्वायर मशीन, कटिंग मशीन। ये मशीनें 4 किलोवाट बिजली लेती हैं और इसे घरेलू बिजली से भी चलाया जा सकता है। इन मशीनों की कुल कीमत 5.5 लाख से 6 लाख के बीच में होती है। अगर आप ये मशीनें खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं। नोटबुक्स बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। यदि एक बार इसकी मशीनरी समझ ली जाए तो बहुत आसानी से नोटबुक बनाई जा सकती है। सबसे पहले शीट को, जो कॉपी के लिए कवर का काम करता है, उसे अच्छे से इस तरह मोड़े कि वह कॉपी के अनुसार कवर के आकार में आ जाए। इसके बाद इसमें जितने पन्ने की कॉपी बननी हो उतने कागज को भी मोड़कर उसके अंदर डाल दें। इसके बाद पिनिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया में इन कवर और उसके अंदर डाले गए दिस्ता कागज को पिन करना होता है। इसके लिए फोल्ड किए गए दिस्ता को पिनिंग मशीन की सहायता से पिन करना होता है। पिनिंग मशीन की सहायता से ये काम आसानी से हो जाता है। तत्पश्चात इसे एज स्क्वायर मशीन पर ले जाकर इसकी फिनिशिंग करनी होती है। फिनिशिंग यानी कवर से बाहर निकलने अतिरिक्त पन्ने आदि की छटाई वगैरह। फिनिशिंग के बाद नोटबुक पूरी तरह स्क्वायर में हो जाती है। इस स्क्वायर मशीन में पहले इसके पिनिंग का स्थान अच्छे आकार में आ जाता है। इसके बाद इसकी कटिंग की जाती है। पहले बने हुए कॉपी को सामने से काटें और इसके बाद आवश्यकता हो तो बीच से काट के 2 भागों में बांट दें। पिनिंग किए गए क्षेत्र के अलावा सामने के 3 भागों को काटना होता है।
इस तरह कुछ ही समय में नोटबुक बनके बिकने के लिए तैयार हो जाती है। 15 से 20 मिनट के अंदर कम से कम 6 से 8 कॉपियां बनके तैयार हो जाती हैं। कॉपी बनके तैयार हो जाने पर इसे आवश्यकता अनुसार पैक करना पड़ता है। यदि पैकिंग की बात की जाए तो इसे होलसेल अथवा रिटेल के रूप में पैक किया जा सकता है। होलसेल में पैक करने के लिए बड़े पैकेज बनाए जा सकते हैं। बड़े बड़े बैग्स में डीलर को आवश्यकता के अनुसार कॉपी पैक किया जा सकता है। यदि रिटेल में अपना ब्रांड सीधे सीधे उतारना चाहते हैं, तो इसके प्रति पैकेट 6 कॉपी का पैक बनाएं और विभिन्न स्टेशनरी दुकानों पर जाइए और उनको अपनी कॉपियों के रेट्स बताकर आप अपनी कॉपियां बेच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस वीडियो के बारे में, आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया, लाइक से कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।